नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जातक जातिकाओं का दिसंबर मास 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। दिसंबर मास सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए मिश्रित रहने वाला है, सुख और दुख बराबर मिलने वाले हैं। टोटल जो घटनाएं घटित होंगी दिसंबर मास में वो 15 घटनाएं घटित होंगी, जिनमें से 8 अशुभ घटनाएं घटित होंगी और 7 शुभ घटनाएं घटित होंगी। कुल मिलाकर यदि बात करें तो सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए दिसंबर मास का महीना 45% ही शुभ रहेगा। लेकिन साथियों, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो साथियों, सीधा टॉपिक पर बात करते हैं कि दिसंबर मास में ऐसी कौन सी वो 8 अशुभ घटनाएं हैं जो सिंह राशि के जातक जातिकाओं के साथ घटित होती हुई नजर आएंगी। नंबर 1, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। नंबर 2, जो सिंह राशि के जातक हैं उनके जीवन साथी का अचानक दिसंबर मास में स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। नंबर 3, राज्य पक्ष संबंधित कार्यों में रुकावटें आएंगे। यदि आप बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा भागदौड़ करते हैं, तो 1% जाके आपको राज्य पक्ष संबंधित कार्यों में लाभ यानी कि आपको सफलता मिल सकती है। नंबर 4, जो सिंह राशि के जातक जातिकाएं नई नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं या नौकरी पहले से कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो नौकरी में वाद विवादों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियां आपको सताएंगी और चिंता भी आपके लिए बढ़ेगी। नंबर 5, वाहन से जुड़ा हुआ आपको धन खर्च करना पड़ेगा। नंबर 6, यदि सिंह राशि के जातक जातिकाएं किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम में पड़े हैं, तो ये समझ लेना कि प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा तनावों का सामना करना पड़ेगा। कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्रेम संबंध में आग लगाने का काम करेगा, कोई पुराना व्यक्ति आपका पीछा करने का प्रयास करेगा। नंबर 7, जो विद्यार्थी है उनका दिसंबर मास 2023 में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन भटकेगा, इसलिए पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी और रिजल्ट भी मन चाहे नहीं आ पाएंगे। इसलिए विद्यार्थी जो हैं वो अभी से ही विद्या में मन लगाएं और मन लगाकर पढ़े, तभी आपके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, तभी आपके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आप शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 8, जो सिंह राशि के जातक जातिकाएं राजनीति से जुड़े हैं, तो राजनीति में भी बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद भी ना के बराबर सफलता मिल पाएगी, इसलिए राजनीति में कदम रखने से पहले सोच समझ कर रखें और आगे बढ़ें। ये 8 अशुभ घटनाएं सिंह राशि के जातक जातिकाओं के साथ दिसंबर मास में घटित होती हुई नजर आएंगी। मित्रों, अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी वो 7 अशुभ घटनाएं हैं, वो ऐसे कौन से 7 कार्य हैं जो सिंह राशि के जातक जातिकाओं के दिसंबर मास में काफी अच्छे रहेंगे। नंबर 1, किसी मित्र से मित्रों से सहयोग मिलेगा, मित्रों से संबंध मधुर बनेंगे।
नंबर दो, जो सिंह राशि के जातक जातिकाएं विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके संबंध काफी अच्छे मधुर रहेंगे और विवाहित जीवन में पति पत्नी में अच्छा मेल जोल देखने को मिलेगा। नंबर तीन, जो कृषि भूमि काले पशुओं से बौद्धिक कार्यों से जुड़े हैं या फिर आयात निर्यात के साधनों से जुड़े हैं, किराए ब्याज के कार्यों से जुड़े हैं, तो समय समय पर धन का लाभ होता रहेगा लेकिन आय समान रहेगी। नंबर चार, लॉटरी कमीशन सट्टाबाजा प्रॉपर्टी डीलिंग ठेकेदारी रोजमर्रा के कार्यों में, लेखन प्रकाशन में, खेल कूद व्यायाम में, गीत संगीत गायन वादन में काफी सफलता और आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नंबर पांच, कोई आपका नया घर बन सकता है, नया घर आप खरीद सकते हैं या घर की मरम्मत करा सकते हैं। नंबर छह, माता पिता से संबंध काफी अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। और नंबर सात, अचानक कोई रुका हुआ कार्य बनेगा और आपको धन भी कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा। ये सात शुभ घटनाएं सिंह राशि के जातक जातिकाओं के साथ दिसंबर मास 2023 में घटित होती हुई नजर आएंगी। लेकिन दिसंबर मास की कुछ तारीखें कष्टभरी रहेंगी, इनमें थोड़ा सचेत रहना, सावधान रहना। वो तारीखें हैं 3, 8, 11, 21 और 29। उपाय करने हैं, केतु शांति मंत्र का जाप करें या नवग्रह शांति मंत्र का जाप करें या फिर दिसंबर मास में नवग्रह शांति हवन कराएं या फिर मंगलवार रविवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें। यदि सिंह राशि वाले इनमें से कोई सा भी उपाय कर लेते हैं दिसंबर मास में, तो आने वाले दुखों से, आने वाले संकटों से निजात मिल जाएगी और आपका पूरा महीना खुशहाली से गुजरेगा। साथियों, आशा करते हैं कि आपको हमारा बताया हुआ राशिफल सत्य लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। साथियों, यदि आपको हमारा बताया हुआ राशिफल अच्छा लगे, पसंद आए, सत्य लगे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मित्रों, यदि आप में से कोई भी भाई बहन अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहता है या अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है या अपनी जन्म कुंडली के शुभ ग्रह शांत कराना चाहता है या जीवन में चल रही किसी भी समस्या को लेकर परेशान है, उसका समाधान करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप हमसे कोई भी जानकारी लेते हैं, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण कराते हैं, जन्म कुंडली बनवाते हैं, तो उसकी हमारे इंडिया में फीस जो है वो 2100 रुपये है और विदेशों में 5100 रुपये फीस है, जो पहले जमा की जाती है, उसके आधे घंटे बाद ही जानकारियां देते हैं। साथियों, यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान करवाते हैं तो उसका चार्ज अलग से होता है, वो हम देखकर ही बताते हैं। मित्रों, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।